सामर्थ्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भक्तों धर्म हुए, दक्ष प्रजापति की कन्या से फिर है विवाह किए। दक्ष प्रजापति की कन्या का कहे मूर्ति ना, नर और नारायण नामक फिर पाई दो संता। धर्म के घर में फिर तो खुशियां खुशियां ही छाई, तेजवान अत्यंत थे दोनों नर नारायण भाई। कहते हैं थे नर नारायण खुद विष्णु अवतार, आए वो ऋषियों के रूप में अपने धर्म प्रचार। बचपन में ही तप करने बद्री बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। दोनों भाई शिव शंभु की करने लगे भक्ति, दोनों में ही तप करने की थी इच्छा शक्ति। बद्री वन में जाकर दोनों करने लगे तप घोर, इंद्र देव का ध्यान गया फिर उन दोनों की ओर। सोचा इंद्र देव ने ऐसे कौन तपस्वी है, भक्तों के बचपन से ही बन गए छवि ये है। ऐसे ही जो रहेंगे ये अपनी भक्ति में लीन, एक दिन सिंहासन मेरा अवश्य लेंगे छीन। उनके तप को इंद्रदेव भंग करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग, यीशु के ज्योतिर्लिंग करे मोह माया को भंग। प्रयोजन राम देव को फिर है समझाया, धरती पर तुम जाओ लेकर अप्सराओं को संग, नर नारायण का तप तुम्हें जाकर करना है भंग। कामदेव ने इंद्र देव की आज्ञा है मानी, नर और नारायण का तप भंग करने को ठानी। लगे दिखाने कामदेव फिर अपनी लीलाएं, नाच रही हैं उनके संग में कितनी अप्सराएं। नर नारायण का तप भ
भंग वो कर ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सका ना मैं तो आप करूं, इंद्रदेव की भूल को है नारायण ने माफ किए। माफी मांग के इंद्रदेव भी स्वर्ग को लौट गए। भोले की भक्ति में फिर दोनों लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। दर्शन कहने लगे भोले के मांगो की भी वरदान। बोले ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ विराजमान, ज्योतिर्लिंग के रूप में भोले रहे हैं यहाँ विराज। ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है ये आज, नर नारायण ने भोले का किया घोर तप है। रूप में नर नारायण यहाँ आज तक है, वृषभ रूप में आज भी भोले यहाँ पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। रूप बैल का भोले ने लिया कैसे अपना बना, के समय के भक्तों ये है एक कथा। कौरों और पांडवों में जब भारी युद्ध हुआ, पांडवों ने तो सभी कौरों को है हरा दिया। धर्म युद्ध है जाता कहां, ये धर्म की विजय हुई। पांचों पांडवों ने किंतु भाइयों की हत्या की, पाप लगा हत्या में पांचों पांडव हैं आए। किंतु भोले उन्हें न दर्शन देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। भोलेनाथ तो पांडवों से है ऐसे रुष्ट हुए, पांचों पांडवों में से किसी को दर्शन नहीं दिए। भोलेनाथ की कृपा वह तो चाहते थे पानी, भोले के दर्शन करने की मन में थी ठानी। भोलेनाथ को आकर के काशी में मनाए हैं, किंतु रूठ के भोले बद्रीनाथ में आए हैं। बद्रीनाथ में आकर वो तो बैठे ध्यान लगाए, उनसे रूठ के भोले हैं केदारनाथ में आए। किंतु पांडव उनके पीछे पीछे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। केदारनाथ में आकर के किया फिर तो उन्होंने ध्यान, किंतु भोले वहां से भी हो गए हैं अंतर ध्यान। एक बैल का रूप दिया भोले ने अपना बनाए, चलने के लिए कई कई पशुओं के में आए। जान गए थे पांडव पर पहचान न पाते हैं, कद को ऊंचा फिर तो भीम बढ़ाते हैं। अपनी टांगों के नीचे से पशुओं को दिया गुजार, भोले नीचे आने को पर नहीं हुए तैयार। यही है भोलेनाथ, भीम पहचान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग। धरती के है बीच समाने लगे, पीठ पकड़ के भीम ने ऊपर उठाना चाहा है, किंतु पीठ का भाग है बस हाथों में आया है। इच्छा शक्ति से उनकी भोले हो गए प्रसन्न, पांचों ही पांडवों को दे दिए साक्षात दर्शन। पाप मुक्त कर दिए सभी और दिया स्वर्ग का रास्ता, वृषभ रूपी पीठ को आज भी यहाँ है पूजा जाता। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ इसे लोग बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग, ये शिव के ज्योतिर्लिंग कर मोह माया को भंग।
दर्शन मात्र से भक्तों के सपने होते साकार। पाप मुक्त यहाँ आकर सारे प्राणी हो जाए। एक बार केदारनाथ मंदिर में जो आए, हंस राज रलहन भी जाता है दर्शन करने। थाम ही लेते हाथ है भोले लगे जो हम गिरने। केदारनाथ की महिमा वर्णन करता डी यशपान। फौज का भोलेनाथ है रखते सदा ख्याल। अज्ञानी को भी ज्ञानी तो आप बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ केदारनाथ में कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव के ज्योतिर्लिंग करें।